कि हैदराबाद के चुनाव के बाद ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया, उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका, फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं, मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे, तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था, उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे, मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं।